एक बार फिर SCN न्यूज की खबर का असर देखने में आया है। तालाबों में हो रहे अतिक्रमण की खबर के प्रसारण के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर मनोज खत्री ने अजयगढ़ के समस्त तालाबों का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को सीमांकन के निर्देश दिए। जो आवक है उसको देखो जरा, है ना, कहाँ से अभी रुक के आवक देखे, आवक का वो जो पॉइंट है वो क्लियर है कि नहीं, है ना, और मिक्सर वगैरह अगर कहीं है। सर यहाँ ये पानी बहुत है, इसमें क्या पानी भर जाएगा, बहुत ही साथ ही अतिक्रमण देखकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देते हुए हटाने के लिए SDM को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही अजयगढ़ में पेयजल समस्या के लिए वार्ड नंबर 1-2 टिकुरिया मोहल्ला डॉक्टरी मोहल्ला में तत्काल स्थायी व्यवस्था को लेकर CMO अजयगढ़ अभयराज सिंह को निर्देशित किया। मोटर वोटर से कम नहीं कर सकते सर, अपन टेंडर करवाया सर, लेकिन वो जो हाँ डैम से पानी आना है अभी समथिंग 2 वर्ष लग जाएंगे सर, लेकिन अभी तो दिक्कत है। यदि बात करते एक दिन ही तो होता तो आते हैं, है इस विभाग में भी राजस्व विभाग में भी रहे हैं, आपके हिसाब से ये तालाब है जो अतिक्रमण किया गया है इसमें कितनी लंबाई चौड़ाई करीब होगी, कितना उन्होंने किया होगा अतिक्रमण? इसमें अतिक्रमण लगभग पूरे तालाब की पार में 50% आधा तालाब में अतिक्रमण हाई है, पुरानी हौली से लेकर के राम प्रसाद गुप्ता के मकान के जस्ट सामने तक है। इसके बाद दूसरे राम प्रसाद गुप्ता के सामने से लेकर रामेश्वर गुप्ता व बनहरी वाले की दुकान तक इतने ये लीज पर होटल्स बने हुए हैं, इनके पीछे सबके दो दो कमरे अतिक्रमण पार तालाब की पार पे है, सहजूरी तालाब की पार में अतिक्रमण है। इसके बाद उसी से चले आइए तो ये मस्जिद के और आगे से तालाब की पार थी जिसपे जो है कुछ अतिक्रमण झोपड़ी बना के किए गए हैं। सिंचाई विभाग, इसमें आपको क्या लगता है किसकी विभाग किस विभाग की वजह से ये अतिक्रमण बढ़ा और इसमें लोग सक्सेस हुए अतिक्रमण करने में? ये इसमें खासतौर पर ज़्यादातर दोनों विभागों की कमियां हैं, राजस्व विभाग एवं नगर पालिका नगर परिषद, सबसे ज़्यादा कमी नगर परिषद की है जिन्होंने गौर नहीं किया बल्कि इंटरेस्ट लिया और उसमें जो है ऐसा महसूस हुआ है मुझे कि ये केवल मात्र अपने वोटिंग की लालच की वजह से ये पूर्व से नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका के पार्षदों द्वारा यह अतिक्रमण कराया गया है सीधे सीधे। अच्छा, ये जो अभी आज जो इसमें सीमांकन कराया जाता है उसमें आपका क्या कहना है? सीमांकन ठीक है, सीमांकन होना चाहिए अगर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इस सीमांकन की कार्रवाई का निर्देश किया गया है और इस अतिक्रमण को हटाया जाए तो अति उत्तम है, और इसका सुंदरीकरण कराया जाएगा हजूरी तालाब का तो यह अजयगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही लाभदायक और सुविधाजनक होगा जिससे पूरे शहर के अंतर्गत जितने भर उप निर्माण हैं उस पर जल स्तर की विशेष बढ़ोतरी होगी। जो यहाँ के तालाब है और भी तालाब है, मेंशन सागर है, खोए का तालाब है, बहादुरगंज का तालाब है, अगर अतिक्रमण मुक्त करके माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया है तो सराहनीय कार्य है, ऐसे कलेक्टर महोदय को विशेष सराहना की जाती है। आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद खरे। स्वच्छता मिशन को देखते हुए नगर परिषद को आदेशित करते हुए SDM व तहसीलदार अजयगढ़ को साफ सफाई व्यवस्था चेक करने को कहा। अजयगढ़ से मोहम्मद आजाद SCN न्यूज।